सो इंजीनियर्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सीखने वाले हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन का विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल। 3D मॉडल जो है आप लोगों को पूरा विजुअलाइज कराएगा कि साइट के ऊपर काम कैसे होता है, कौन से इक्विपमेंट्स उसमें यूज होते हैं और कौन सा मटेरियल कहां पर लेइंग होता है, कैसे कॉम्पैक्शन होता है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डॉवेल बार कौन से ग्रेड की यूज की जाती है। पूरा डिटेल वीडियो है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो आप कोई भी पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से करवा सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग आइटम वाइज देखेंगे। आइटम वाइज मतलब मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी एस्टिमेशन अगर बनता है तो आइटम वाइज बनता है, तो उसमें कौन से आइटम इंक्लूड रहते हैं, साथ ही में कौन से इक्विपमेंट यूज है, आज हम ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हाईवे कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर क्या होता है? सबसे पहले हाईवे कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर होती है क्लीनिंग, जो कि आप लोगों को होती हुई यहां पर नजर आ रही है। क्लीनिंग करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, जिसमें से एक है कि आप JCB से भी आप लोग आसानी से क्लीनिंग कर सकते हो, अगर बहुत छोटे छोटे वेजिटेशन है तो, या फिर बड़े वेजिटेशन है तो भी। इसी के अलावा इसके बाद क्लीनिंग होने के बाद हम लोग अगला काम क्या करते हैं, हम लोग सबग्रेड ऑर्डर करते हैं, और सबग्रेड ऑर्डर करने के बाद सबग्रेड की डंपिंग होती है डंपर से। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लीनिंग कर ली हम लोगों ने, क्लीनिंग करने के बाद हम लोगों को सबग्रेड एक लेयर होती है हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन की, सबसे बेसिक लेयर होती है, और अगर मैं कहूं कि इसकी थिकनेस जो होती है ये सबसे ज्यादा होती है 500 mm के लगभग। तो इंजीनियर्स, हमारी डंपिंग हो गई है, डंपिंग के बाद क्या होगा? के बाद हम लोग करेंगे सबग्रेड की स्प्रेडिंग, मतलब हमारा जो सबग्रेड आया है साइट पर उसे हम लोगों को स्प्रेड भी करना होता है, और किसके हेल्प से करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग हमारे ग्रेडर की मदद से। ये आप लोगों को यहाँ पे आसानी से एक पूरा ग्रेडर दिखाई दे रहा होगा, इसी तरीके का ग्रेडर आपकी साइट के ऊपर मौजूद होगा, जिसमें आप लोग इसके सबग्रेड की स्प्रेडिंग करोगे, पूरी हम लोगों को स्प्रेडिंग करनी होती है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि क्या होगा, इसके बाद हम लोगों का सबग्रेड का कॉम्पैक्शन होने वाला है। सबग्रेड का कॉम्पैक्शन हम किसकी मदद से करेंगे, हमारे रोलर की मदद से। रोलर कौन सा यूज करना है, वाइब्रेटरी रोलर यूज करते हैं हम लोग, किसमें, हमारे सबग्रेड के कॉम्पैक्शन के लिए। तो सबसे पहली लेयर हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन की क्या बताया मैंने आप लोगों को, सबग्रेड। सबग्रेड का आप लोगों ने ये देखा कि सबग्रेड की लेइंग से पहले आप लोग क्लीनिंग करोगे, क्लीनिंग के बाद आप लोग डंपिंग करोगे सबग्रेड की, सबग्रेड की डंपिंग के बाद आप लोग उसकी स्प्रेडिंग करोगे, स्प्रेडिंग के बाद कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन के बाद हम लोग पहले देख लेते हैं सबग्रेड के बारे में थोड़ी डिटेल्स, जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी कि आप लोग 500 mm की थिकनेस जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, इसके बाद टॉलरेंस 20 mm। अब ये 20 mm का टॉलरेंस क्या होता है, ये समझिए कि अगर 500 mm की थिकनेस है आप लोगों के सबग्रेड की लेयर की, तो 20 mm का टॉलरेंस मतलब कि 520 mm की लेयर हो सकती है या 480 mm की थिकनेस हो सकती है। ये हमारा टॉलरेंस है प्लस माइनस का, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं चलेगा। ये हमारा IRC कहता है कि हमारा जो टॉलरेंस है वो 20 mm से सबग्रेड का ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका कॉम्पैक्शन 97% तक के अचीव होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग GSB की डंपिंग देखेंगे। तो अब हमारे GSB की आप लोग देख रहे हो डंपिंग हो गई है, तो डंपिंग के बाद अगला काम क्या है हमारा, स्प्रेडिंग। जिस तरीके से हम लोगों ने सबग्रेड की स्प्रेडिंग की थी डंपिंग के बाद, उसी तरीके से हम लोग GSB की भी स्प्रेडिंग करेंगे। GSB की भी हम लोगों को स्प्रेडिंग करनी होगी विद द हेल्प ऑफ हमारे ग्रेडर के। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉम्पैक्शन होता हुआ दिख रहा होगा हमारे रोलर की मदद से, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये हमारा रोलर है जिससे हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे हमारे GSB का। अब इसके बाद हम लोग GSB का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देंगे, जो कि हमारा यहां पर से आ जाएगा कि जो हमारा GSB का मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है वो होता है 75 mm। इसी के साथ साथ इसकी थिकनेस जो हमारी ड्राइंग में दी गई, हमने 150 mm लिए तो 150 mm, और इसका टॉलरेंस 6 mm का। जैसे आप लोगों को पता है कि सबग्रेड का 20 mm का था, उसी तरीके से हमारा GSB का टॉलरेंस 6 mm है। इसके बाद हम लोग अर्थन शोल्डर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अर्थन शोल्डर क्या होता है, दो तरीके के शोल्डर होते हैं, पेव्ड शोल्डर और अर्थन शोल्डर। पेव्ड शोल्डर मतलब सेम कि जो पेवमेंट जिस मटेरियल से बना है आप लोगों का, उसी मटेरियल से अगर आपका शोल्डर बनता है उसे पेव्ड शोल्डर कहा जाता है, और अगर सॉइल से हम लोग हमारा शोल्डर बना रहे हैं तो हमारा अर्थन शोल्डर होता है, जिसे हम लोग हार्ड शोल्डर भी कहते हैं। इसके बाद आप लोग एक चीज और दिखानी है
कि ये जो है हमारा, ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक पेवर। हाइड्रोस्टेटिक पेवर यूज होता है हमारा डीएलसी की लेइंग के लिए। इसी के साथ साथ ये हमारी डीएलसी आप लोगों को दिख रही है, ये हमारी डीएलसी यहाँ पे स्प्रेड हो रही है विद द हेल्प ऑफ हमारे पोक लाइन की मदद से। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे कॉन्क्रीट मिक्सर भी दिखाई दे रहा होगा जिसने यहाँ पर डीएलसी को लेकर आया। डीएलसी को सिर्फ कॉन्क्रीट मिक्सर से नहीं लाया जाता, बहुत सारी साइट पर डंपर का भी इस्तेमाल किया जाता है, है ना। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस टेक्निकल नाम आप लोगों को दिखाना था कि हमारा ट्रांजिट कॉन्क्रीट मिक्सर है जो हमारे डीएलसी में यूज होता है। इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं जो कि है हमारी सेपरेशन मेम्ब्रेन। सेपरेशन मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, ये डीएलसी और पीक्यूसी के लेयर के बीच में डलती है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, डीएलसी की लेयर है ड्रायलीन कॉन्क्रीट की, डीएलसी के बाद और पीक्यूसी के पहले एक लेयर डाली जाती है जो होती है हमारी सेपरेशन मेम्ब्रेन, जो हमारा पीवीसी शीट पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट होता है जो 125 माइक्रोन की होती है, जिसकी थिकनेस आप लोग देख रहे हो सेपरेशन मेम्ब्रेन थिकनेस है 125 माइक्रोन। उसी के साथ साथ इसमें लैप लेंथ भी देना है, मतलब कि देखिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को एग्जीक्यूशन का काम सिखा रहा हूं, तो एग्जीक्यूशन के वक्त आप लोगों को लैप लेंथ पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने ये पीवीसी शीट डाली, इस ये खत्म हो गई, तो अब आप दूसरी डालोगे तो उसकी लैप लेंथ 300 mm मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारी डॉवेल बार्स। आप लोगों को यहाँ पे डॉवेल बार्स दिखाई दे रही होगी काफी अच्छे से, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आपको डॉवेल्स बार दिखाई दे रही है, ये डॉवेल्स बार आप लोगों को ग्रीन दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये इपॉक्सी कोटेड डॉवेल बार्स है। इसी के साथ साथ इसका ग्रेड आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा जो कि है ग्रेड S240 की हमारी ये डॉवेल्स बार है। इसी के साथ साथ इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारा स्पेसिफिकेशन हाईवे कोर्स में आप लोगों को सारी चीज डिटेल में अवेलेबल है। साथ ही में ये मॉडल भी आप लोगों को मिलेगा कि आप लोग कैसे आसानी से सीख सकते हो। आप लोगों को हर एक चीज, मैंने अभी आप लोगों को कम समय में बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स में हर एक चीज डिटेल में बताई गई है आप लोगों को कि कैसे पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन का। सो अब डॉवेल्स बार के बाद आप लोगों को और कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे मैंने आप लोगों को डीएलसी दिखाया, तो डीएलसी की जो क्यूरिंग होती है वो 7 दिन तक होती है। 7 दिन तक के हम लोगों को उसकी क्यूरिंग करनी पड़ती है। क्यूरिंग करने की मेथड होती है कि हम लोगों को हेजन क्लॉथ्स, जो बहुत सारी साइट्स के ऊपर गनी बैग्स भी बोला जाता है, वो हमें डीएलसी के ऊपर डालना है और उसके बाद 7 दिन तक के उन्हें वेट रखना है, पानी डालते रहना है उसके ऊपर, तब तक के किसी भी तरीके का वेविकल, चाहे वो लाइट वेट वेविकल भी क्यों ना हो, हमारे डीएलसी की लेयर के ऊपर नहीं चला सकते आप लोग। इसके बाद आप लोगों ने देखा सेपरेशन मेम्ब्रेन, सेपरेशन मेम्ब्रेन के बाद पीक्यूसी की कास्टिंग होगी विद द हेल्प ऑफ पेवर मशीन। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये पूरी पेवर मशीन के थ्रू पीक्यूसी की कास्टिंग होगी। पीक्यूसी की कास्टिंग में आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, पीक्यूसी की कास्टिंग में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो पीक्यूसी जो कंक्रीट आने वाला है उसका स्लंप रेशियो कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 25 mm, इसका आप लोगों को स्लंप रखना है। साइट के ऊपर ये स्लंप रखना जरूरी है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेवर मशीन का यूज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और बात बतानी है कि आप लोग जैसे ही आप लोग पीक्यूसी कास्ट कर लेते हो, पीक्यूसी के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, क्यूरिंग कंपाउंड डालना है, एल्यूमिनाइज्ड क्यूरिंग कंपाउंड की आप लोगों को एक लेयर डालनी है ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है पीक्यूसी का वो इवेपोरेट ना हो जाए। इसके बाद आप लोग क्यूरिंग का काम शुरू करोगे आप लोगों की पीक्यूसी का। पीक्यूसी का क्यूरिंग का काम आप लोग कैसे शुरू कर सकते हो, जैसे आप लोग डीएलसी का काम शुरू किए थे हेजन क्लॉथ की मदद से, सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हो कि मास कॉन्क्रीटिंग हुई है, लगभग M40 का कॉन्क्रीट यूज होता है हमारे पीक्यूसी में, तो आप लोगों को यह करना है कि सबसे पहले पॉन्डिंग भी करनी है। पीक्यूसी के ऊपर पॉन्डिंग कीजिए, उसमें पूरे तरीके से पॉन्डिंग मेथड का यूज करने के बाद आप उसमें भी हेजन क्लॉट्स डालिए, जिसके वजह से हमारी अच्छी क्यूरिंग हो जाएगी पीक्यूसी की, और पीक्यूसी की जो क्यूरिंग होती है वो 28 days तक होती है। सो इंजीनियर्स आप लोगों को ये सारी डिटेल्स जो है वो एकदम याद रखनी है। सो इंजीनियर्स आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं पीक्यूसी के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। पेवमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट पीक्यूसी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, इसका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 31.5 mm का होता है, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ये सारे स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए। इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन एग्रीगेट का
2% मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मिनिमम सीमेंट कंटेंट 360 केजी पर मीटर क्यूब, इतना मिनिमम इसका होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे स्लम की, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 25 mm या प्लस माइनस 10 mm इसका टॉलरेंस, 25 mm स्लम्प होना चाहिए और उसका टॉलरेंस है 10 mm का। मतलब कि 15 से आप लोग 35 mm के बीच में आप लोगों का स्लम्प होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड 25 mm है। इसके बाद क्यूरिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताई 28 दिन की क्यूरिंग करनी है, पॉन्डिंग के मदद से, स्प्रिंकलिंग के मदद से, हैजन क्लॉथ की मदद से। इस तरीके से आप लोग पूरा PQC का जो कास्टिंग कर सकते हो, ये स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सो इंजीनियर्स, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आप जाकर अपनी साइट के ऊपर इसे अप्लाई करोगे। और अगर आप लोगों को और डिटेल में इसे समझना है तो हाईवे कंस्ट्रक्शन का कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, या फिर आप सिंपली कॉल कर सकते हो 9111001234 पर। और सीखते रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं से भी सीखिए। सो इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।